सवाल ये है, सवाल ये है, कोई बात नहीं, सवाल ये है कि अजामिल इतना यज्ञ इत्यादि कर रहा था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, गुरु साधुओं का आदर कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, फिर भी वो एक दृश्य देख के उसका मन विचलित हो गया। उसने कंट्रोल भी करने का प्रयास किया, नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। तो भगवान ने उसकी हेल्प क्यों नहीं की? भगवान क्या हेल्प करते उसकी? भगवान ने तो वैदिक शिक्षा दे रखी थी ना, भगवान ने तो गुरु दे रखे थे। भगवान क्या हेल्प करते? भगवान आपका अगर ये मंतव्य है कि भगवान जबरदस्ती उसको वो भुलवा देते, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, भगवान चाहते तो भगवान भुला भी देते। भगवद गीता में भगवान खुद ही कह रहे हैं, ये मुझसे आती है स्मृति, मुझसे ज्ञान आता है, और अपोहनम मुझसे भूलने की शक्ति आती है, तो भगवान भुला भी देते। दो कारण से भगवान ने ये काम नहीं किया। पहली बात है, भगवान कभी भी इंटरफियर नहीं करते। भगवान बोलते हैं कि देखो मेरा काम क्या है। भगवान ने अपना जो कार्य क्षेत्र है भगवान ने स्पेसिफाई कर रखा है। भगवान ने बोला है भगवद गीता में, उपदृष्टा अनुमंता चा, मैं देखता रहता हूँ, मैं दूर से देखता रहता हूँ, अनुमंता चा, और अनुमति देता रहता हूँ, कर लो भाई जो तुमने करना है कर लो, जो करना है, जो तुम्हारी मर्जी आती है कर लो। भगवान ये दो काम करते हैं, तीसरा काम नहीं करते भगवान। भगवान तीसरा काम नहीं करते, और भगवान ने यहाँ अभी पे नहीं किया। और फिर दूसरा रीज़न ये है कि क्यों भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया। भगवान ने हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया, अगर भगवान हस्तक्षेप करते तो फिर हमें शिक्षा कैसे मिलती? फिर तो सारी बात ठीक हो जाती, फिर अजामिल का प्रसंग आता, तो फिर प्रसंग क्या आता कि अजामिल ने वो दृश्य देखा, और अजामिल ने वो वेश्या का दृश्य देखा, शूद्र के गले लगते हुए शराब पीकर गोल गोल आंखें घुमाते हुए, आलिंगन करते हुए, कपड़े अस्त व्यस्त थे, तो अजामिल के मन में काम वासना आई, अजामिल घर आया, अजामिल ने वेदों को याद किया, भगवान ने उसको भुला दिया, तो फिर उससे हमें क्या शिक्षा मिलती कि देखो भाई जो देखना देखो, यावत जीवेत सुखे सुखम जीवेत जब तक जी रहे हो सुख से जियो, जो देखना देखो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेदों की शिक्षा याद कर लेना, भगवान भुला देंगे, भगवान दयालु हैं, भगवान करुणा अवतार है, भगवान दीन बंधु दीनानाथ है, भगवान ऐसे भुला देंगे। तो फिर इंद्रियों पर संयम रखने की, सावधान रहने की शिक्षा कहाँ से आती? भगवान कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। जो भगवान ने हमें एक माइन्यूट, एक छोटी सी स्वतंत्रता हमें दे रखी है कि भाई यथा इच्छसी तथा करु, जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला था जो तुम्हारे मन में आ रहा है अब करो, मैंने तुम्हें नॉलेज दे दी, भगवद गीता का ज्ञान दे दिया, यथा इच्छसी तथा करु। अब जीव अपने आप बोलेगा कि वही करूँगा जो आप बोलोगे, वही करूँगा जो आप बोलोगे। अपने आप जी बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो चलेगा भाई, तो भगवान अगला दरवाज़ा खटखटाएंगे, फिर उसके बारे में उसको नॉलेज देना शुरू कर देंगे भगवान। भगवान कभी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, और अच्छा हुआ भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया, नहीं तो बहुत ही खराब मैसेज जाता, नहीं तो बहुत ही खराब मैसेज जाता कि कुछ भी करो लास्ट में आज चल ही रहा है। ये तो सिर्फ जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं सिर्फ वही ढिंढोरा पीट रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता भाई, लेकिन पूरी दुनिया तो यही कह रही है कुछ भी करो भगवान जाने जाने हैं, भगवान दयालु हैं, आप कुछ भी करो भगवान का नाम ले लेना सब खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया नाम के बल पे पाप करने पे तुली हुई है, ये तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो नाम के बल पे पाप मत करना, इसलिए वो रुके हुए हैं। जो हमारे जो महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो रूपानुगा हैं, अगर यहाँ पर अजामिल को बचा लेते ना पहले, बचाया तो सही भगवान ने, सु अल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्याध, भगवान बचाएंगे ही बचाएंगे,
लेकिन अगर उस समय बचा लेते उसको नीचे गिरने से, फिर तो समझो कि रास्ता खुल जाता, फिर तो कोई किसी को रोकने वाला नहीं था, फिर तो जंगल राज हो जाता पूरी दुनिया के अंदर, फिर कोई किसी को ये नहीं कह पाता कि देखो सावधान रहना नहीं तो गिर जाओगे। अब तो गिरने का सवाल ही नहीं है क्योंकि भगवान बचा लेंगे, तो फिर क्यों सावधान रहना भाई, फिर तो आराम से अपना उच्छृंखल स्वच्छंद जीवन बताएंगे। हमारे लिए भगवान ने उस बेचारे को नहीं बचाया, ये बात हमेशा याद रखना।